अगर आप भी क्लास 12th पास हो गए हैं तो यह सुनहरा मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 12th पास हुए स्टूडेंट्स के लिए 14 प्लस सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि 12th पास स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें 12th अगर आपने पास आउट हुए हैं तो फिर आप निश्चित ही इस जॉब को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि सबसे आसान जॉब कौन सी है और सबसे आसान तरीके से आप किस जॉब को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि हमारे यहां जो सबसे बड़ी संस्था है गवर्नमेंट जॉब देने की वो कौन सी है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आएगा वो इंडियन रेलवे का आएगा। जी हां, इंडियन रेलवे में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें जो है क्लास 12th पास आउट के लिए जो वैकेंसी निकलती है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचेंगे कि 12th लेवल पे कौन सी नौकरी आती है सर, तो जो आरआरबी अपने एनटीपीसी का एग्जाम करवाती है, ठीक है, एनटीपीसी का जो एग्जाम करवाती है आरआरबी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की एग्जाम होती है ये, ठीक है, जिसमें रेलवे में टीटी टीसी ये सारी पदों के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होती है वो क्लास 12th होती है, ठीक है। तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप निश्चित ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए भी जॉब आती है, लेकिन वो जॉब जो होती है वो ग्रुप डी के लिए होती है, ठीक है। तो 10वीं पास वाले ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं और अगर आपने 12वीं पास किया है तो एनटीपीसी में आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा 12वीं में पास करने के बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो रेलवे में आप टेक्निकल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी आती है, ठीक है। सेकेंड जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी एयरफोर्स की, और एयरफोर्स और नेवी ये दो ऐसी वैकेंसी है जो कि स्पेशली आती है क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में पीसीएम लिया है, ठीक है। मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास आउट हैं, इंटरमीडिएट पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी हर साल निकलती है एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें भी आपका सीबीटी एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपका होता है, जिसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है वो आपका इंटरमीडिएट स्तर का पूछा जाता है। जिस स्तर का आप पढ़ करके आए हैं इंटरमीडिएट, जिसमें फिजिक्स होगा पूरा 11-12 का, केमिस्ट्री होगा 11-12 का, मैथमेटिक्स होगा 11-12 का, इस स्टैंडर्ड की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों में लगभग आपका सिलेबस सेम रहता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्र 10+2 होती है, ठीक है। और नेवी में ये जो वैकेंसी आती है वो आपकी एसएसआर के नाम से आती है, एसएसआर और डबल ए के नाम से आती है। एयरफोर्स में जो ये वैकेंसी आती है उसमें एक्स और वाई ग्रुप के नाम से आती है, ठीक है, एक्स और वाई ग्रुप के नाम से ये वैकेंसी आती है अगर ये वैकेंसी आपके इंटरमीडिएट बेसिस पे आ रही है तो, ठीक है, जिसमें एक्स कैटेगरी जो होती है पूरी की पूरी टेक्निकल कैटेगरी होती है आपकी, और वाई कैटेगरी जो होती है आपकी इसमें नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें पूछी जाती हैं वाई कैटेगरी में। एक्स में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, कहने का मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो होगा वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होगा जिस स्टैंडर्ड का आप पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड मैं आपको बता दूं तो एसएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, एसएससी का जो एग्जाम होता है जो 10+2 लेवल का होता है, एसएससी के जितने सारे एग्जाम्स हैं उनमें मैक्सिमम एग्जाम जो है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं, कुछ एग्जाम आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड के होते हैं और कुछ एग्जाम जो आपके होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन स्तर के होते हैं। अब आप अगर MTS का फॉर्म को फिल करिएगा तो उसमें जो आपका लेवल है वो क्लास 10th का लेवल है। CHSL वगैरह के फॉर्म को फिल करिएगा तो आप जो है जिसमें आप जूनियर क्लर्क वगैरह बन सकते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 12th है, ठीक है, क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, नॉन टेक्निकल के सेक्टर में जा रहे हो या फिर आप टेक्निकल के सेक्टर में जा रहे हो, ये समझना पड़ेगा आपको पहले। जैसे अगर कोई नॉन टेक्निकल के सेक्टर में जाता है तो उसे जो है जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट आपके 10वीं स्तर के होते हैं, बाकी आपके एंट्रेंस के स्तर के होते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो टेक्निकल वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ SSR, MR, नेवी वगैरह में पूछे जाते हैं, ये आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपकी आती है वैकेंसी, इसमें आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी आती है, जिसमें अगर आप 10+2 के बाद अगर आपने 3 साल ग्रेजुएशन भी कर लिया है तब जाकर के आप CGL वगैरह के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स आज के समय में जो कर रहे हैं, वो अपना 10+2 को पास आउट करने के बाद कोई टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा कर लिया या बीटेक कर लिया। तो डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद जो जॉब में आ रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस रह रहा है वो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम का रह रहा है, क्योंकि टेक्निकल कैटेगरी में जूनियर इंजीनियर के ही एग्जाम जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए जो है JEE के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी उनके पास वैकेंसी अलग से आती है और वो उसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास 12th के बाद इतनी सारी जो जॉब्स हैं उनके बारे में और एटलीस्ट आपको मालूम चला होगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्लास 12 पास आउट तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जो है इन सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।